हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो ये फिल्म जी योद्धा द वॉरियर है, ये बारे गलबात कर ली अब इकट्ठे हुए। कल ये फिल्म जी है दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जा रही है। सो ये मूवी जी के अज के पंजाब की स्टोरी है। अज के पंजाब जो कुछ हो रहा है तुम सारे जानते हो, अज के पंजाब ड्रग्स का बहुत ज़्यादा पसारा फैल चुका है, यूथ बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया। सो इस बैकड्रॉप को लैके प्लस कुछ एक घटनावान रीसेंटली पंजाब के पास्ट में हुई दो तीन साल पहला ही। सो वह जड़िया रियल इंसीडेंट्स ने कुछ जो हुए रीसेंटली उन्होंने लैके असी एक स्टोरी बनाई है। ਜਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਲਵ ਦ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਟੀਮ ਹੈਜ਼ ਵਰਕਡ ਔਨ ਇਟ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਨਰੇਟਿਵ ਹੋਏ, मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म आई थिंक इज डेफिनेटली अ फ्यू नॉचेस हायर देन द लास्ट फिल्म, नॉट अ फ्यू नॉचेस, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू नॉचेस हायर द लास्ट। गुड सारे नु ते मैं पंजाबी नहीं है, मैं गुजराती है, तो पंजाबी भी सॉरी नहीं है। तो पहले से सॉरी बोल देती हूं अगर मुझसे पंजाबी में कोई गलती हो जाए। मेरी फर्स्ट पंजाबी फिल्म है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो मैंने लैंग्वेज के ऊपर बहुत काम किया है। जिहड़ा मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है नवदीप कौर। वो एक एक केस होया सी अमृतसर च, एक थानेदार को, अच्छा सॉरी आपने बंदे जी, मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है फिल्म के, एंड आई एम श्योर तुसी बहुत पसंद करोगे नवदीप को। नवदीप नो नाम है गोगा दादीवाली, इज एक्चुअली फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, a high strung political family, but there is no direct involvement in politics. It is not a full fun loving type banda hai, no koi direct involvement nahi hai, matlab he is not a politically correct person at all, so he is not the kind of person who would fit into politics, but he has got an elder brother who is a famous politician and he has got a very protected sort of happy life and little headstrong, or rather quiet headstrong, you know, koi cheez chahe de de to chahe de, chahe wo matlab pen hoye kisi da kisi pen na likhne to chahe da to pen chahe da, to wo speech ka khuda pe bande da, and then of course this kind of a person with the waywardness of the character, what kind of consequences can occur in a series of incidents they occur. नहीं जी, मेरी तो डेब्यू हुई है 2022 को, और 97 में मैंने स्टार्ट किया था शूटिंग करना, मगर वो अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर हमारे उनकी का ध्यान तो गया था, मुगल आनंद साहब का डायरेक्टरी, मुगल आनंद जी, द फिल्म नेवर गॉट कंप्लीटेड। सो माय एक्चुअल डेब्यू वाज December 22, 2000, सो इट्स गोइंग टू बी 14 इयर्स, यू नो, ऑन द 21st of December दिस ईयर। अभी तक तो नो कंप्लेंट्स, यू नो, आई एम टू शॉर्ट ऑफ 100, सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विद माय वर्क। आई हैव लव्ड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, इंडियन मूवीज ओवरसीज, वन इंग्लिश फिल्म ऑल्सो, सो आई हैव नो रियली कंप्लेंट्स, स्पेशली बिकॉज आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड एज यू नो, आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर वाज इन द पुलिस सर्विसेज, माय मदर वाज अ प्रिंसिपल, सो इट्स अपर मिडिल क्लास बूर्जवाजी एजुकेटेड फैमिली। फास्ट बॉलिंग का काफी प्रॉपर स्कूल है जी, फास्ट बॉलिंग का भी श्योर। इट्स अ थर्ड पंजाबी फिल्म, व्हाट मेड यू वेंचर इनटू पंजाबी स्पेसिफिकली? यू नो, दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड जिमी, आई लव हिम वेरी मच, शेयर हिम, एंड ही वुड आस्क मी फॉर हिज होम प्रोडक्शन, एंड धरती वाज द फर्स्ट फिल्म। इन फैक्ट द जेंटलमैन इज हियर फ्रॉम बीडीसी, दे गिव मी एन अवार्ड आल्सो फॉर In fact, I've got two awards from them so far, one for that and one for Vidal. So I'm hoping that
they sort of bless me another third time, and all of you bless me. सर पंजाबी मीडिया के अंदर फिलहाल कॉमेडी का दौर चल रहा था, तो आपको ये नहीं लगा कि यार एक कॉमेडी पिक्चर ही होनी चाहिए मुझे एंटर करने के लिए? देखिए जी, दो पिक्चरें मैंने इंस्टिंक्टिवली की और दोनों में काम सराहा गया, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई दौर बहुत कुछ नहीं होता है। आप सादा आपकी जब आई थी उस टाइम पे उस टाइप की पिक्चर को मेरे नहीं ख्याल कोई गवर्नमेंट भी इंकरेज करती थी रिलीज के लिए, बट लोगों ने गुरुद्वारों में चलाई पिक्चर। आई थिंक कोई भी चीज़ सिंसेयरली बने, अच्छे से बने, तो लोग पसंद करेंगे। अगर उसमें कहीं उनको लगेगा कि सिंसेरिटी लैक होती है, कहीं स्टोरी टेलिंग में कुछ नहीं समझ में आया लोगों को, वो डेफिनेटली रिजेक्ट करते हैं। डेफिनेटली योदा करते हैं, लोग घंटे खड़े हो, बड़ी बार लोग घंटे खड़े हो, एक बंदा इतना खतरनाक सामने सीखा मेरे। सो हाँ, डेफिनेटली आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। सो योदा दे एक तो एक्शन मैं नहीं सी कीता, मतलब दिस वाज माय सेकंड फिल्म एज एन एक्टर। सो पिछली फिल्म च थोड़ा जिहा एक्शन सीगा, बट ये जिवें दस्सिया ज्योति साहब ने कि 30 डेज असीं एक्शन ही इहदा शूट करते रहे। सो बहुत सारे यहोजे सीकुएंस ही तुसीं उहदे च भी देख सकते हो, ट्रेलर विच भी, कि इहोजे मैनूं काम करने पए जिहड़े मैं लाइफ च कदी अटैम्प्ट नहीं कीते। पहली गल तां योदा दा जिहड़ा किरदार निभाउण लई मैनूं रिक्वायर्ड सीगा, मैनूं लगदा सी कि इह करैक्टर नूं जस्टिफाई करन लई योदा टाइप फिजीक होणी चाहीदी है। सो उहदे लई मैं 8 महीने लए सिक्स पैक एंड ऑल। सो उस तों इलावा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लई मैं गतका सीखना पिया मैनूं उहदे लई, ओह मैं ईवनिंग क्लासिस लगाउंदा सीगा। सो उस तों इलावा जदों ड्यूरिंग द शूट सीगा उहदे विच जिहड़े लोक खड्डे खड़े करन वाला इंसीडेंट है, इक जिवें सीगा कि हरीके पत्थर दे विच शूट करना सीगा। सो उहदे विच सीगा कि योदा जिहड़ा इक उहने डैम बनाई हुई है दरिया दे विच, उत्थों चप्पू चला के रोज दरिया क्रॉस करता हुंदा। मैं कभी लाइफ के चप्पू फट के भी नहीं देखा भी बेड़ी के उत्ते चप्पू चला के कि बंदा क्रॉस करूंगा, और जोड़ा सगा फ्लो बहुत तेज़ सगा रिवर का, तुम जानते हो जिन्होंने हरीके पत्थर देखा तो बहुत तेज़ है, उसे दो दरियावान का संगम हों, बड़ा फास्ट है फ्लो। तो डायरैक्टर एंड ऑल कैमरा क्रू मेरे नाल आए, मेरी बोट उन्होंने रस्सी ना बन के मोटर बोट के नाल छड़ के तो चले गए आप बोट लैके मोटर वाले किनारे पर। सो वो शॉट उन्होंने हैलीकॉप्टर भी लेने से, सो दे लेफ्ट मी इन द मिडल ऑफ द रिवर, तो उतों कंडे तक आना मतलब मैं वाइक एक्चुअली करता आया। सो मतलब यह कई इंसीडेंट से जिधर से गल की जाए जिस तरह थोड़ी फिल्म नशे के टॉपिक उजागर किया गया, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत नाजुक भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइकली फैले हुए अपने पंजाब जी, तो रियल बहुत इंसीडेंट्स मिल जाएंगे इन रिलेटेड, जो देखोगे मूवी तो कई चेहरे नजर आ जाएंगे जिन्हों का गलबात स्टाइल थोड़ा बहुत शायद रियल बंदा मिलता नजर आए। सो असी कोशिश की है कि एज क्लोज टू रियलिटी रखिए, पर नाल दी नाल ही असी भी कोशिश की है कि इट है प्रीची ना हो जाए, क्योंकि यूथ जिहड़ा है वो एंटरटेनमेंट लई सिनेमा देखता है। सो असी वो एंटरटेनमेंट का ज्यादा ध्यान रखे, ये डेफिनेटली मैसेज जिहड़ा है वो नाल दी नाल चल ही रहा है। पॉलिटिकल स्टाइल भी होना लग रहा है नो या जी रियलिटी तो कितना कुछ इंस्पायर्ड है। तुसी मूवी देखो फिर दस्सो, कोई गल ना करवाओ मुझे तो चंगी गल है, मैं पिछली बार लास्ट मूवमेंट से बैन लग गया फिफ्थ अप्रैल में अभी रिलीज करनी थी, तो फोर्थ नाइट में उन्होंने प्रीमियर वेले ही बैन कर दी। सो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन अगेन। कंट्रोवर्शियल फेज कंट्रोवर्शियल फेज देखो, कंट्रोवर्सी ने पिछली बार साड़ी फिल्म नूं ओवरसीज डेफिनेटली हेल्प किया, बट उसके कंपेरेटिवली इतने बहुत नुकसान किया सानू, क्योंकि असी सवा महीना लेट हो गए फिल्म रिलीज करन च, ते सवा महीने च पायरेसी इस लैवल ते घर घर फिल्म पहुँच चुकी थी, लोगों से क्यूरियोसिटी इन्ना ज़्यादा सी, एक्साइटमेंट इन्नी ज़्यादा सी कि जब असी फॉरन का टूर किया तो उड़े शुभ चिंतक से ना वो सानू दसते थे कि असी 500 सीरीज़ बना के उत्थे इंडिया भेजिया जी, असी यह किया जी ये किया, मतलब पायरेसी जी सी करके सानू नुकसान हुआ। सो कंट्रोवर्सी समटाइम्स डज हेल्प, सो बट वी नैवर वॉन्ट अ कंट्रोवर्सी, लास्ट टाइम एज वरी वी डोंट वॉन्ट एनी कंट्रोवर्सी, सो इस करके असी प्रमोशन के बड़ा सेफ सेफ चल रहे हैं, तुम्हें सारे ने नोटिस किया होगा बहुत ज़्यादा रौला नहीं पाया तो फिल्म अच्छी होगी अपने आप चलेगी, सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। आई टेक दिस क्वेश्चन, आई हैव सीन दैट फिल्म एज एन आउटसाइडर,
this film definitely has nothing to be scared of getting a ban. It's a very commercial format for me. It's been inspired by a few incidents. But you can't pinpoint, okay, this. Or nobody will definitely want to ban anything like that. It's not saying anything to do with a ban. In fact, एक जो कोई बंदा है क्या सिद्धार्थ दे बारह बन जाते हैं ऑल दैट यू नो ऑल दैट स्ट्रेंज काइंड ऑफ स्मॉल टॉक प्रोसेस इज देयर इन द प्रोमो आल्सो इफ यू सी दैट अ वेरी पॉजिटिव लाइन ही सेज दैट कि वो योद्धा बन के फिर रात 12 बजे यू नो इट्स सेइंग सो इट्स वेरी नाइस आई थिंक यू नो इन अ कमर्शियल फॉर्म वी बिलीव साडा जेड़ा हाउस है जिस किस्म का असी सिनेमा बनाओगे ये ठीक है बाकी लोग जो अपना काम कर रहे हैं असी एक अपने आप ही ड्यूटी लई हुई है थोड़े बहुत हार्ड हिटिंग काम कर रही जो कि पंजाबी सिनेमा च नहीं कोई अटैम्प्ट कर रहा किसी पढ़ना शुरू हो गया हूँ तुम देखो हैदर फिल्म बड़ी है कि कुछ एक्सपोज किया उन्हें है ना जितने इंडियन सिस्टम के कितने फ्लॉ है ना इंडियन आर्मी की ऐसी तैसी करी करन चलाने जितने कितने फ्लॉ है वी शुड एडमिट उ गल असी साडा कोशिश की पुलिस वाले करप्ट सी उस टाइम सो वो करके बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इदा सो आई बिलीव के पंजाबी सिनेमा भी उस लाइन के ऊपर अगे चलना चाहिए वी शुड एक्सपेरिमेंट विद द वेरियस सब्जेक्ट्स आई थिंक आई स्टार्टेड माय करियर बाय लाइक आई वाज अ मॉडल आई स्टार्टेड माय करियर विद फेमिना मिसिया सो देयर वाज अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन माय लाइफ एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी एन एक्टर ठीक आई एम नॉट अ बंगाली आई एम नॉट अ पंजाबी व्हाट आई एम इज अ एक्टर सो आई फील एक्टर्स का कोई धर्म नहीं होता बिकॉज हम तरह तरह के कैरेक्टर निभाते हैं सो विद दिस इंडस्ट्री बॉलीवुड स्पेसिफिकली आई लव्ड इट बिकॉज मैंने अक्सर सुना था पंजाबी बड़े दिल वाले होते हैं बड़े दिलदार होते हैं तो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि मेरे बहुत कम ऐसे पंजाबी फ्रेंड्स थे बट आफ्टर डूइंग दिस फिल्म आफ्टर द सपोर्ट ऑफ माई टीम सिंस आई वॉज अ नॉन पंजाबी My director was quite satisfied. I don't know if they are satisfied or not, but I know for a fact that, in fact, everyone is sorry. Of course. Yes, thank you. So I think I had a very good experience, and जो मेरा वो thought था कि पंजाबी बड़े दिलवाले होते हैं वो बिल्कुल clear हो गया and hence proved हो गया और पंजाबी खाना तो वैसे ही बड़ा पसंद है तो I had a wonderful experience. मैं थोड़ी चबी भी हो गई after this. अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए यहाँ पे जो भी एक्ट्रेसेस आती हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रह जाता है कि कहीं नहीं जो एक्ट्रेसेस आती हैं उनको कंप्लेन भी रहता है कि इस इंडस्ट्री में जो फीमेल्स होती है ना उनको सिर्फ एक आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उनके पास परफॉर्म करने के लिए स्पेस नहीं होता है इस फिल्म में आपको वो स्पेस मिला या नहीं आई थिंक जब मैंने ये स्क्रिप्ट साइन की थी ये फिल्म साइन की थी तो वो मैंने स्क्रिप्ट के बेस पे साइन की थी कैरेक्टर ऑफ नवदीप वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट इज़ द बेस रोल लाइक दैट इज़ द बेस ऑफ द फिल्म तो उसके चलते मतलब पूरी फिल्म उसके आधारित के ऊपर ही आधारित है अगर आप देखोगे सो आई डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट माय कैरेक्टर आई वुड रादर एक्सपेक्ट कि आप फिल्म देखें एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको नवदीप का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे क्योंकि नवदीप के बहुत सारे शेड्स हैं शी इज़ जस्ट नॉट अ आई कैंडी इन द फिल्म उसके चलते ही शायद आप इमोशनल भी हो जाओ हैप्पी भी हो जाओ आपको गुस्सा भी आए दूसरों के ऊपर कि नवदीप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है सो आई थिंक शी हैड अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन द फिल्म सो आई लव इट आई लव नवदीप एंड बाद में पता चला कि साडा हैप्पी टीम के साथ काम करना तो और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी So I had to perform to that level also. So I think I'm making a film to aapko clear ho jayega ki Navdeep is not an eye candy in the film.